नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र शुक्ला ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज अष्टमी का रामनवमी का हवन हुआ। सुबह मैं बाबा महामृत्युंजय के दर्शन करने गया, फिर रानी तालाब में माँ कालिका के दर्शन करके घर में हवन का कार्यक्रम करने के बाद ऐसा संयोग था कि आज पर्चा भरने का मुहूर्त भी आज ही निकल आया, तो इसलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने का अवसर मुझे मिला। आठ में आठ सीटें निकल के सामने आएंगी, भाजपा जीत गई। ठीक है, अभी कोई किसी को भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई विरोध में लड़ेगा नहीं। कांग्रेस और अन्य दल सारे लोग मैदान में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम जनता के बीच अपने कामों के आधार पर मैदान में हैं और जनता उन कामों को सिर्फ सुन नहीं रही है, देख भी रही है। वैसे जनता में उत्साह है, जनता चाहती रीवा में और काम हो। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।